अनंत वक्ता प्रवचन में आज आपको लेके चलते हैं तत्वदर्शी परम चेतनानंद जी महाराज के प्रवचन के छठे एपिसोड में। मनुष्य को मनुष्य जन्म में परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। जिन्हें बोले ज्ञान चक्षु उनको पहले से देख, ज्ञान चक्षु को खोल, अरे तू मूर्ख मन पहचान गए उनके चरण शिवा भगवान गए। तो हमारे अंदर हमारे ब्रह्मांड में स्वयं परमपिता परमात्मा भी छिपा है। योग योग साधन से उस परमात्मा का भी जलवा देख सकता साधन, उसके दिमागी जो अंदर उसके दिमाग पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है तो योगी बन जाता है साधक। परमात्मा का जो ध्यान करते हैं लोग त्रिकुटी में, उससे परमात्मा की रोशनी, परमात्मा का अमृत, दया, प्रेम, बहुत सारी शक्तियां जो है उसको साधक को अनुभव में मिलती है, जिससे वो उसमें अच्छा मालूम पड़ता है, फिर करने की इच्छा होती है उसको। जिस पर परमात्मा दया करता है, एक बात भी है जो मेरे पर नजर नहीं है और इच्छा नहीं उनको प्राप्त करने की, प्रबल है ये, एक एक की उतनी प्रबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा, वो पुराने संस्कारों से भी होती है, पूर्व संस्कारों से भी मानव ज्ञान मिल गया, उसके संस्कार है परमात्मा में, मिलने सेवक है वो, परमात्मा की सेवा करने वाले सारी उम्र भर मिलने सेवा करी, वो साधक भी मनुष्य जन्म में आकर फिर काम करते हैं, ये फिर उनको अनुभव मिलता है। तो ये नहीं सोचना ऐसे ऐसे कोई साधक नहीं सोचेंगे कि मैं एक दार जाके ही शायद समझ जाऊं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है, प्रेम है, जो वीरता है परमात्मा में और उतनी सूझबूझ है तो साधक में आती है, उतनी नजदीक आए उतनी सूझबूझ अकल उस बात की। परमात्मा का ध्यान त्रिपुटी में किया जाता है, ब्रह्मराज को कान बंद करके सुनते हैं और हमारे श्वास में परमात्मा का शब्द है और वो शब्द दूर तक साधक जब उसमें श्रुति लगाना अगर सीख जाता है, पहले तो बहुत शब्द तक वो सीखना ही नहीं आया, शब्द में श्रुति नशा चढ़ता है, सारी उम्र पर साधक पर भी नहीं चढ़ता लोगों को, और ये साधक ऐसा है तो एकदम ही समझ जाता है, जो मगनशील होता है, जिसके पुराने संस्कार भी उसमें होते फिट बैठ जाता है, पुराने संस्कार मालिक मानव के अंदर रहते हैं और समय पर काम आ जाते हैं। मैं अपने को देकर कह रहा हूं, मैं इतना साधक नहीं था कि जो मेरे को एकदम दूर तक मालिक ने पहुंचा दिया, सारी रिद्धि सिद्धि मेरे को मिल गई। सबसे स्वार्थ प्यार को सीखा जाता है, उस ज्ञान से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ बन सकता है, निस्वार्थ जीवन भी परमात्मा को तक पहुंचने तक अनुभव करने तक उसको मिल जाता है, गगनशील को। यानी यार मनुष्य जन्म में ही साधक जो है परमात्मा का एक अलौकिक अलौकिक तर्क का उनके शक्ति का अनुभव करते हैं, उनको प्रभाव आ जाता है, खुशी सदा हमेशा खुशी रखेगा। जो गुरु का जो शक्ति का प्रभाव अपने वहां परमात्मा का जो अपने आ जाएगा और वो साधक वाले पहुंचने में निर्भर करता है, उनको थोड़ी वो उनसे हार जाए वहां के नहीं, वो तो साधक उनके बच्चे हैं, उन सब मनुष्य जन्म में आकर के ही परमात्मा का प्यार प्रेम को प्राप्त किया जाता है, परमात्मा नजदीक आना चाहता है, किसी और धंधे ऐसा नहीं है, ये साधकों को और साधकों को छाता है पर निर्भर करता है वह क्यों कितने दूर तक वो जाता है कि जल्दी जाती पेट भर कर तो भोजन खा लिया फिर साधन के लिए बैठे वो आ गए वह उसको सारी तरीके सीखने पड़ते हैं। बता रहा हूं साधन का मिले तरीके होते हैं जो श्वास आपने नहीं चलता मामले सर पेट भर का आपने उसी श्वास जो खाली पेट में देखिए कितने दूर तक पहुंचेगा
आवाज़ प्रभाग तक पहुंच जाएगा। पर इसको देखना चाहिए ना साथ पर कि कहां तक पहुंचता मेरे साथ भोजन खाकर और कहां तक पहुंच सकता है बिगड़ भोजन खाकर। तो अगर उस शक्ति तक पहुंच रहा है आपको तो पेट में कोई खाना नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रखे फल खा लेना चाहिए कुछ अगर नहीं रह सके अरे तो साधन साधन में ही दूर तक पहुंच सकते हैं आप। पर एक बार भी आप नहीं पहुंचे उसके बाद थक गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगन सही रहने चाहिए तो दूर तक पहुंचेगी आप। हाँ एक झलक ऐसी आएगी तो दूर तक आपके मन की चित्त में वो प्रभाव पड़ेगा वहां का उस शक्ति का प्रभाव पड़ेगा तो आप मूर्छा और कलेश कुछ कम हो जाएगा। ये रोग जो होता है संसारी रोग संसारी प्रभाव हम जीव के जीवन में तो पड़ता है वो गए तो पकड़ दे मूर्ख हो जाते हैं लोग। और कोई दवाई ऐसी नहीं मूर्ख लोगों को अच्छा कर दी उसे साधन ही है। यह साधन अगर दूर तक पहुंच सकता तो विचार हो जाएगा मैं पहले कमजोर था। ब्रह्मनाथ ब्रह्म में भी बड़ी ताकत है ब्रह्म भी तो निष्काम है सकाम थोड़ी है हम सकाम है सब निष्ठान ब्रह्म का भी मतलब पूछने पर हमारे दिमाग में बहुत सारे शक्ति आती है। तो इस प्रकार से ये चीज अपने अंदर पहले से रास्ता बनाती है अपना मन ही रास्ता बनाता है ना अंदर का। हमने अपने अंदर से गुरु की प्रेम से गुरु से गुरु का जरिए प्रेम से ही रास्ता मन बनाता है तो वो दूर तक पहुंचता है। जो नौकरी चाकरी है वो तो खाने पीने को हो गया तो हो गया ज्यादा सारी उम्र में पिलसन खाते रहोगे और भी दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा ज्ञान को जितना आपने समय मिले उतना समय उनको उसको देना चाहिए। सारे अभ्यास शब्द का सुमरण करना चाहिए कर्म भी मिलता है भीतर में शक्ति मिलती है और बाहरी संसारी काम भी जो ज्यादा अड़चन होती है जिनमें वो भी सिद्ध हो जाते हैं। उसकी चोरी कोई नहीं कर सकता है साधन की आपकी सेवा की जो तुम्हें आपने किया है उसको कोई नहीं खा सकता है वो आपके पास रहेगी अगले जन्म में काम आएगी आपको। हाँ गुरु ज्ञान अमर है जैसे आत्मा अमर होती है ऐसे गुरु ज्ञान भी अमर होता है। इस जन्म में कहीं आपको आत्मा है जीवात्मा मर गई हो ज्ञान अधूरा पड़ गया उसमें फिर भी उसको जन्म मिलेगा। जब आत्मा परमात्मा जब उस क्षेत्र में पहुंचती है तो इंतजार उनकी तरफ से होता है हाँ तो फिर उसको जगह मिलती है फिर उसका काय खत्म नहीं होता है जी। हाँ ये ज्ञान जो है अमर ज्ञान है ये एक बार ही ज्ञान मिल जाए तो अमर चाहे बीच में जब अमर हुआ ही नहीं पहले मर जाए बीत जाए वो होगा सब लेकिन जब पूरा ज्ञान हो जाए फिर अमर ही क्योंकि अमर को चीज नहीं है ऐसा नहीं अमृत है वो जीव जीव को अंदर अमर करने वाला है हमारे अंदर ही है वो भी वो संपत्ति भी कहीं बाहर से थोड़ी जानी है अपने अंदर ही परमात्मा भी है अपने अंदर ही अपने आप भी है अपने अंदर ही अमृत ज्ञान के जो अमर करने वाला अप्राप्त करिए सारे से हमने ही में और प्राप्त करने के लिए मानव जन मिलाकर प्रधान होने के लिए इसी निर्णय कर सकते हैं आप।